बहुत ही अमेजिंग रोड है। मैं बिल्कुल वहाँ उस पॉइंट से आके फिर ये साइड होके इधर आ गया। यहाँ से फिर ऐसे मुड़ना है वो जहाँ पे गाड़ी खड़ी ना वो साइड निकल, वही मैं समझू कहाँ कहाँ से चल रहा है तुम्हारा भाई। रोड देखो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। तो आज की इस एपिसोड में मैं जाने वाला हूँ एक सोपोर में एक जगह आती है, उसको बोलते हैं हरदेशवा। और हरदेशवा अगर की हम बात करेंगे क्या, रोड बहुत ब्यूटीफुल है और अमेजिंग व्यू पॉइंट भी है। तो अभी मैं सोपोर में ही हूँ, तो सोपोर से निकल के मैं पहुँचूँगा हरदेशवा। तो चलो जी, मिलते हैं हम आपको सुल्तान पे। जब भी आप ये लोकेशन पे आ जाओगे तो यहाँ पे ना दो हरदेशवा आता है। आप जब भी आओगे तो आपने किसी लोकल से पूछना है यहाँ पे मुझे ऊपर की ओर जाना है, ऊपर आपको दिख रहे हो ना या पहाड़ी, तो उतने ही जाना है हमें। भैया हरदेशवा जाना, हरदेशवा ऊपर जो एकदम ऊपर जाता है ना वो। हाँ कहाँ है ना ये रोड? हाँ हाँ वहाँ से पड़ता है ना ये। हाँ सीधे जाओ, सीधे यहाँ से फिर ऐसे मुड़ना है ये वाला वो जहाँ पे गाड़ी खड़ी ना वो साइड निकल। नहीं, वो व्हाइट वाली नहीं, वहाँ से आप दूर हो जाएगा। अच्छा यहाँ से हाँ हाँ वही सर, सर चलो थैंक यू सर। ये कहाँ आ गए हम, कभी कभी ना ऐसा लगता है यार कि कहाँ फंस गया हूँ मैं। अब यहाँ से पूछ लेना पता नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी के घर में ही घुस जाऊँ, क्योंकि अक्सर इन जैसे रोड में ना मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसा कैसा रोड है, अच्छा ये कुछ अंदर से ही शॉर्टकट था शायद। वहां पे ना एक दो रूट निकल रहे थे तो एक भाई ने कहा था आप इधर से निकल जाओ, लकी जी डिग्री कॉलेज, ये तो नहीं ये वाला रोड सीधा। तो हरदेशवा की बात करेंगे, हरदेशवा 15 किलोमीटर दूर है जो सोपोर टाउन है, तो 15 किलोमीटर्स की दूरी पे लोकेटेड है हरदेशवा। तो भाई अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे हरदेशवा की, इट हैज़ मोर देन 15,000 की पॉपुलेशन है, तो अच्छा खासा बढ़िया विलेज है ये। यहाँ पे पहाड़ों का हाल तो ऐसा हुआ है कि जैसे ना लद्दाख में चल रहे मरे हुए पहाड़, हरियाली कुछ भी नहीं। लद्दाख में भी ऐसे ही बिल्कुल पहाड़ है यार। मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया आर हाईली एजुकेटेड, विच अ वेरी गुड थिंग। तो लिटरेसी रेट अच्छी खासी है जो हमेशा इम्प्रूव होती आई है इस एरिया में। लिटरली आई फील लाइक आई एम राइडिंग इन लद्दाख। और भाई अगर मैं और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ आपको, यहाँ पे जो हरदेशवा विलेज है दिस इज कॉल्ड द पंजाब ऑफ जहानगीर। तो भाई आप ये सोच रहे होंगे कि पंजाब कहाँ पे और हरदेशवा कहाँ पे, वाई दिस विलेज इज़ कॉल्ड द पंजाब ऑफ जहानगीर। तो भाई जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये विलेज अच्छा खासा बड़ा है, और ये जो विलेज है यहाँ पे जो नियर बाई छोटे छोटे विलेज हैं उनके लिए अच्छा खासा जॉब प्रोवाइड करता है यहाँ पे, मोस्टली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इस एरिया को कहा जाता है दिस इज़ कॉल्ड द पंजाब ऑफ जहानगीर, जहानगीर इस पूरे एरिया को बताया जा रहा है। तो अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इस एरिया में, सो दिस इज़ द रीज़न। सो इफ आई कैन से राइट नाउ आई एम राइडिंग इन मिनी पंजाब, सो दिस इज़ द रीज़न।
तो चलो भाई आगे की ओर चलते हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हुए ना बाप शुक्र दिन चिन्ह। अरे कहना क्या चाहते हो? वही मैं समझू कहाँ कहाँ से चल रहा है तुम्हारा भाई। रोड देखो आज कुछ नया ही एक्सपीरियंस कर दिया। तो गाइस जैसे मैंने आपको कह दिया कि इस पूरे एरिया को कहते हैं जनगिर। तो जनगिर एरिया की अगर हम बात करेंगे, ये सोपोर का एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। तो अगर हम कंप्राइज करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने इस एरिया में, देयर आर अराउंड 38 विलेजेस इन दिस एरिया। तो इस पूरे एरिया को जनगिर कहते हैं भाई। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। तो चलो भाई अब ऐसा सीन हो गया मेरे को यहाँ पे, कुछ बुलबुलैया जैसा सीन हो गया। तो कभी अंदर जा रहा हूँ, कभी बाहर जा रहा हूँ। तो संभव मैं आ गया अब फिर से अच्छे खासे रोड पे। कितना प्यारा बच्चा है। एक जगह यहाँ पे आते ना जहाँ पे बहुत सारे कर्व से ऊपर टॉप पे जाता है वो रोड। वो टॉप पे ही रोड जाता है। सीधा ही है? हाँ। सीधा जाना कितना किलोमीटर? सीधा नहीं जाना है, वहाँ नाला है ना। हाँ हाँ, वही नीचे उतरना है। नीचे उतरना है, चलो ठीक है। ये तो नहीं है। अरे ये रोड है। कोई तो बोल रहा था कि बहुत अच्छा रोड है, शायद कभी। अच्छा अच्छा, यहाँ से रोड अच्छा खासा है, यहाँ से काम चल रहा है अभी। चलो जी। अच्छा मैं आया था वो साइड से, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऊपर। तो भाई साहब हरदुशवा के ऊपर कुछ इस टाइप का रोड है यार, ये देख लो भाई। आय हाय, बहुत ही अमेजिंग रोड है। मैं बिल्कुल वहाँ उस पॉइंट से आके फिर ये साइड होके इधर आ गया। तो मेरे पास दो ऑप्शन है अभी, या फिर मैं वापस रिटर्न ये रोड से जाऊँ या फिर दूसरे रोड से। बट मैं यहाँ से वापस नहीं आऊँगा क्योंकि ये चीज़ तो देख ली। अब दूसरी चीज़ देखनी है कि वोला रूट हरवन से निकल के आगे जाएगा। और ये एक छोटा सा गांव।
गाइज ये राइड बहुत ही अमेजिंग रही, बहुत ब्यूटीफुल। तो अब मैं यहाँ से निकल के फिर दूसरी लोकेशन से जाऊँगा, हरवन साइड से। वो भी आगे एक चाचा मिले थे, उन्होंने कहा था कि वो भी सुपर से टच हो जाएगा, तो वापस आने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ तो आपने देख ली, तो अभी अदर साइड दिखाएंगे आपको कि अदर साइड में क्या क्या कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलो जी, मिलते हैं फिर से सुल्तान पे। नीचे नीचे एकदम थोड़ा सा लाइट कम होने लगी, बट ऊपर अभी धूप है पहाड़ों पे। ओए होए भाई, ड्रोन शॉट बहुत मस्त आएगा, लिख के ले लो मुझसे यार, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये कुछ गांव है? मरबल। अब देखते हैं यार कि ये रोड कहाँ जाता है। आज तो ऐसा चल रहा है कि सीरीज में कि जहाँ पे रोड खत्म हो रहे वहीं पे रुक रहे। ओए होए, छोटा सा वाटरफॉल। आगे एक चाचा मिले थे, चाचा मुझे कह रहे थे कि वहाँ से जा सकते हैं कि बट दे बेटर नो द रूट। तो इन्होंने कहा कि भाई वॉक आप जा सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा बांडीपुरा कुछ बांडीपुरा से होके वहाँ से जाना है, वो कुछ बांडीपुरा से होके कुछ जंगल या कुछ बहुत सारे कुछ मतलब क्लियर फैक्ट्स है नहीं उस चीज़ के बारे में। तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि मैं यहीं से वापस चला जाऊँ। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। तो ठीक है भाई, फिर थोड़ी और देर के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा। तेरी जुस्तजू में निकले तो अजब शराब देखे, वाह। तेरी जुस्तजू में निकले तो अजब शराब देखे, कभी शब को दिन कहा कभी दिन को ख्वाब देखे, वाह वाह।